आज का अपना चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट हो गया था, अब उसी डिफरेंशिएशन का यहाँ पे एप्लीकेशन है, तो चैप्टर का नाम हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो होगा, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि डेरिवेटिव था, तो डेरिवेटिव में क्या था, जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y का डेरिवेटिव क्या था, जो dy बाय dx, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और f ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैस x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, यानी कि y का डिफरेंशिएशन जो है वो x के रिस्पेक्ट में है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, जो y कोई फंक्शन है और y फंक्शन में चेंज हो रहा है जो चीज़ नीचे लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि x के रिस्पेक्ट में, तो वही चीज़ इसमें क्या लिखा है, जो डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, यानी कि डेरिवेटिव जो है वो क्या करेगा, एक रेट को मेजर करेगा। फिर उसमें पहला हेडिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी किसी भी क्वांटिटी का रेट चेंज जब होगा तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि सर्कल है, सर्कल तो अगर ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस हम मान लिए ए है, ये सर्कल हो गया, इसका रेडियस ए है, तो इस सर्कल का जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस ए है, यानी कि पाई ए स्क्वायर। तो अब देखना है ये सर्कल जो है इसका एरिया किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे पाई जो है पाई कॉन्स्टेंट है, क्योंकि पाई का वैल्यू पता है, यानी कि सर्कल का एरिया इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिक्रीज करेगा, ये रेडियस पे डिपेंड करेगा। अगर रेडियस इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा, अगर रेडियस डिक्रीज करेंगे तो एरिया डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे एरिया जो है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो मान चलो एरिया को हम लिख देते हैं ए इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। तो अब जब एरिया में हमें चेंज निकालना है तो वो चेंज क्या होगा, डी ए, यानी ए कैपिटल ए का मतलब हो गया एरिया, अपॉन डी स्मॉल ए, स्मॉल ए का मतलब हो गया रेडियस, यानी कि एरिया में रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज, तो वो चेंज क्या होगा, पाई और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू ए, यानी हो गया टू पाई ए। तो ये क्या हो गया, जो सर्कल का जो एरिया था, एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि वाई जो है वो एक्स में कोई फंक्शन है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, जो वाई में एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज, वाई में एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज, तो लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, क्योंकि वाई में चेंज होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जो चीज़ नीचे रहता है उसी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, जो वाई में एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इट्स वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए इज डिनोटेड बाई, यानी कि इस ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका वैल्यू अगर निकालना है एक्स इक्वल टू ए पे, तो उसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, इट्स वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए इज डिनोटेड बाय डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ऐसे लाइन देके भी लिख सकते हैं, या फिर डी वाई बाई डी एक्स एक ब्रैकेट लगा देंगे एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स का मतलब, जो वाई में एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई इक्वल टू जी ऑफ टी, यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल है, तो एक्स और वाई जो वेरिएबल है वो तीसरे वेरिएबल टी में फंक्शन है, यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल है और ये दोनों वेरिएबल जो है एक तीसरा वेरिएबल टी में फंक्शन है, ये कौन सा फॉर्म हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, क्योंकि एक्स जो है वो भी टी में फंक्शन है, वाई जो है वो भी टी में फंक्शन है, तो ये दोनों फॉर्म जो हो गया वो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में जैसे कि एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी और दूसरा वाई इक्वल टू जी ऑफ टी, इसमें क्या करना होगा, हम निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में टी डिफ्रेंशिएशन एफ डैश टी। ठीक है, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू जी डैश टी, तो इस एक्स वाले को भी टी के रिस्पेक्ट में किए, वाई वाले को भी टी के रिस्पेक्ट में किए,
तो देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स जब निकालना होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का डिफ्रेंसिएशन अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन। डी वाई बाई डी टी डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई का डिफ्रेंसिएशन अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है जो इफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई इक्वल टू जी ऑफ टी देन बाई चेन रूल वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। यानी जब दो फंक्शन अलग अलग रहेगा और उसमें कोई ना कोई एक पैरामीटर दिया रहेगा तो दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए y वाले डिफ्रेंसिएशन को x वाले डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड कर देंगे। तो वहाँ से क्या होगा, dy वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, जो किसी क्वांटिटी में किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, किसी भी क्वांटिटी में किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जैसे सर्कल का जो एरिया है तो सर्कल के एरिया में सर्कल का जो एरिया होगा उसमें रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब देखो जैसे एग्जांपल देखते हैं, हम एक एग्जांपल है इसका, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू भी दे रखा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया है, पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, क्योंकि सर्कल का रेडियस है तो सर्कल के रेडियस में, ये सर्कल का एरिया है तो सर्कल का एरिया जो होगा वो चेंज होगा रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ क्वेश्चन में भी बोल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा जो वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, ये चीज़ हमें खुद ही सोचना होगा। तो यहाँ पे बोल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू हमें दे दिया है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, लेट एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू ए, सर्कल का जो एरिया है उसको हम लेट कर लिए कैपिटल ए है। We know that a equal to pi r square, सर्कल का एरिया लेट कर लिए a है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पता है जी a equal to pi r square। ठीक है, तो a का वैल्यू लिख दिए, तो बोला है यहाँ पे जो पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि एरिया में चेंज हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है जो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है उसमें परिवर्तन, यानी किस चीज रेट ऑफ चेंज मतलब उसमें परिवर्तन वो कैसे बदल रहा है, तो यानी कि ये जो एरिया है पाई आर स्क्वायर ये कब बदलेगा, जब हम यहाँ से रेडियस को चेंज करेंगे तभी एरिया चेंज होगा, क्योंकि पाई कभी भी चेंज नहीं होगा, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है तो पाई चेंज नहीं होगा, इनकी रेडियस का वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे, रेडियस का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज करेंगे तो एरिया भी डिक्रीज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड, पर सेकेंड के हिसाब से निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, और रेडियस के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करते हैं जो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर का मतलब रेडियस, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं रेडियस के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ए का डिफ्रेंशिएशन होगा डी ए अपॉन डी आर, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे लिखेंगे, तो आर के रिस्पेक्ट में तो क्या एरिया का डिफ्रेंसिएशन डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू, पाई कॉन्स्टेंट है वैसे रहेगा, और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, क्योंकि पावर को आगे करेंगे पावर में से एक कम करेंगे, तो आर स्क्वायर का हो गया 2r, अब फिर r का करेंगे तो r का डिफ्रेंसिएशन r के रिस्पेक्ट में 1, ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू
टू पाई आर। तो ये हो गया ए का मतलब एरिया और आर का मतलब रेडियस। एरिया में रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज वो आ गया टू पाई आर। अब यहां से क्या होगा जो डी ए बाई डी आर, अब दे रखा है व्हेन एक्स इक्वल टू फाइव, तो डी ए अपॉन डी आर व्हेन एक्स इक्वल टू फाइव, जब एक्स का वैल्यू फाइव होगा तो हो जाएगा टू पाई इंटू आर का वैल्यू फाइव, तो ये कितना आ गया फाइव इंटू टू टेन पाई। ठीक है, यानी कि इस सर्कल के एरिया जो है उसका रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज जो है वो आ गया टेन पाई। ये कब आया जब रेडियस दे रखा है हमें आर इक्वल टू फाइव। ठीक है, अब हमें इसका यूनिट लिखना है, यूनिट हमें हर क्वेश्चन में लिखना होगा, जो उसका यूनिट क्या होगा, यानी ये क्या निकल के आया है डी ए अपॉन डी आर एट एक्स इक्वल टू फाइव पे। तो अब हमें इसका यूनिट लिखना होगा, जिसका यूनिट क्या होगा, यूनिट जो होगा इस चेंज को देख के लिखेंगे। ठीक है, ऊपर क्या है एरिया, ऊपर है एरिया, तो एरिया का यूनिट, यूनिट किस में चल रहा है सेंटीमीटर में, तो एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो एरिया का होता है स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे क्या है रेडियस, तो रेडियस का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस का यूनिट क्या होता है आर इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर। रेडियस क्या है लेंथ है, तो लेंथ का क्या होगा मीटर किलोमीटर जो भी होगा, तो यहाँ पे क्या था सेंटीमीटर। अब एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कैंसिल, एक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो जाएगा टेन पाई सेंटीमीटर, यानी कि टेन पाई सेंटीमीटर के रेट से वो चेंज हो रहा है। अगर इसको नहीं छोड़ेंगे तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर यहीं पे छोड़ देंगे, इसका रेट चेंज आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि इसको कैंसिल करने पे सेंटीमीटर इसलिए आया था क्योंकि ये किस चीज़ का एरिया है सर्कल का एरिया है। अभी स्टार्टिंग में ही बताए थे जो सर्कल का जो एरिया होगा वो डिपेंड किस पे करेगा सर रेडियस पे, वो डिपेंड करेगा रेडियस पे, इसलिए यहाँ पे पूरा यूनिट कैंसिल होके सिर्फ सेंटीमीटर बचा, और सेंटीमीटर जो है वो किसका यूनिट है रेडियस का। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो एरिया जो होगा वो सिर्फ रेडियस पे ही डिपेंड करेगा, अगर रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा, और रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो एरिया क्या होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। तो ये तो हम सर्कल के एरिया में रेट ऑफ चेंज निकाल लिए रेडियस के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन में क्या होगा जी, कभी बोलेगा रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, या फिर एरिया इंक्रीज कर रहा है, सर्कल का एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो सर्कल का एरिया जब इंक्रीज करेगा, सर्कल का एरिया जब इंक्रीज करेगा तो हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर। सर्कल का एरिया जो होगा एरिया, तो ए और किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो आर के रिस्पेक्ट में, तो जब इंक्रीज करेगा तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू, मान चलो जितना भी इंक्रीज कर रहा है, मान चलो फाइव इंक्रीज कर रहा है, डी ए अपॉन डी आर फाइव इंक्रीज कर रहा है, तो जब इंक्रीज करेगा तो उस समय आगे जो होगा वो प्लस साइन लेंगे, जब इंक्रीज करेगा तो उस समय आगे प्लस साइन लेंगे। अगर क्वेश्चन में बोलेगा जी डिक्रीज कर रहा है, और जब डिक्रीज बोलेगा तो उस समय हम माइनस साइन लेंगे, तो इसको याद रखेंगे। अगर इंक्रीज बोलेगा, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, तो इंक्रीज जब करेगा तो उस समय प्लस साइन लेंगे, और जब डिक्रीज बोलेगा तो डिक्रीज का मतलब घटना यानी कम होना, तो डिक्रीज के समय हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा जी इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, तो अगर इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव लेंगे, अगर डिक्रीज करेगा तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर। तो फिर से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, तो सर्कल का एरिया है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया है, तो लेट एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू ए,
सर्कल का एरिया हम लेट कर लिए, वो ए के बराबर है, और ए बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस जो है सर्कल का रेडियस दे रखा है आर, तो एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। तो बोला है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है, तो जब इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, अब इसको आर के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, तो ए का डिफ्रेंशिएशन डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा टू पाई आर, पाई आर स्क्वायर का हो गया टू पाई आर। अब यहाँ से आ जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू डी ए अपॉन डी आर वेन आर इक्वल टू सिक्स, आर का वैल्यू रखा है सिक्स, यहाँ पे हो जाएगा वेन आर इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर, तो हो जाएगा टू पाई इंटू सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर एरिया है तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन नीचे रेडियस है उसका हो जाएगा सेंटीमीटर, आगे 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो सर्कल के एरिया में जो चेंज होता है रेडियस के रिस्पेक्ट में, सर्कल के एरिया में चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में, वो जो होता है सर्कल का क्या निकल के आता है, ये 2πr सर्कल का क्या होता है, पेरीमीटर, यानी कि उसका सर्कमफ्रेंस हम बोलते हैं, पेरीमीटर तो सर्कल में होता नहीं, यानी क्या होता है सर्कमफ्रेंस। तो इस बात को भी याद रखेंगे, जब सर्कल के एरिया में रेडियस के रिस्पेक्ट में जो चेंज आता है वो क्या निकल के आ रहा है 2πr, और 2πr को हम क्या बोलते हैं, सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखेंगे, जो सर्कल के एरिया में रेडियस के रिस्पेक्ट में जो चेंज होगा वो सर्कल का पेरीमीटर होता है, और वो किसके बराबर होगा 2πr के बराबर। अगला एग्जांपल, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, यहां पे क्वेश्चन बोल दिया इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज करने का मतलब बढ़ना, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, ठीक है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर पर 9 सेंटीमीटर, ये 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि क्यूब जो है, क्यूब का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा था, अभी बताए थे इंक्रीजिंग होगा तो प्लस और डिक्रीजिंग होगा तो माइनस, यहाँ पे क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, ठीक है, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो फिर आगे बोला है, आगे बोला जो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज, उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, ये चीज़ पूछा है, उसका सरफेस एरिया जो होगा कितना तेजी से इंक्रीज करेगा या फिर चेंज होगा। तो हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजेज व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका लेंथ जो है किनारे का उधर रेखा में 10 सेंटीमीटर। तो देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे दे रखा है क्यूब, ठीक है, डायग्राम जो है वो क्यूब दे रखा है, लेट द एज
ऑफ ए क्यूब इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। क्यूब जो है उस क्यूब का एज मतलब उसका किनारा जो है उसका लेंथ हम मान लिए हैं एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एज का क्यूब यानी कि एक्स क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया एक्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद एक यहां पर रखा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल वी से, तो वी इक्वल टू एक्स क्यूब। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, कैपिटल एस। तो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया सिक्स ए स्क्वायर, क्यूब का सरफेस एरिया होता है सिक्स ए स्क्वायर, ए होता है उसका एज, वो कितना है एक्स, तो सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीज़ तो हम क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिए यानी कि हम कंसीडर कर लिए हैं, एक क्यूब दे रखा है, क्यूब का है वॉल्यूम और सरफेस एरिया वो हम कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दे रखा है व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, यानी किनारा जो है उसका लेंथ हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजेज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको अब हमें लैंग्वेज के फॉर्म में जो रखा है इसको हम कंसीडर करेंगे। देखो द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब यानी क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा वी, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या है वी इज इंक्रीजेज, तो इंक्रीज करने का मतलब प्लस में, यानी कि प्लस में कर देंगे, इंक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इंक्रीज कर रहा है किसी रेट से, रेट का मतलब चेंज, रेट का मतलब क्या होता है चेंज, तो रेट जो होता है रेट, रेट का मतलब हुआ चेंज, यानी कि चेंज जो होगा वो क्या होगा किसी रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वो एकाएक चेंज नहीं होगा वो धीरे धीरे होगा। तो इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। तो चेंज जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, जैसे वाई में चेंज, तो वाई में चेंज क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, y में चेंज x के रिस्पेक्ट में तो dy वाई बाई डी एक्स, अगर y में चेंज t के रिस्पेक्ट में तो dy वाई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे किसका चेंज लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज क्या होगा dv अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे हम उसको लिखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, नीचे हम उसको लिखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो पीछे जो क्वेश्चन हम किए थे उसमें क्या था, सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया जो था वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, रेडियस के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा वो क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, वहाँ पे लिखा हुआ था चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, एकदम लैंग्वेज में लिखा हुआ था चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है फिर भी हमें यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो जो हमें यहाँ पे यूनिट दे रखा है इस यूनिट से हम पहचानेंगे, ठीक है। तो दे रखा है वॉल्यूम में जो चेंज है वो कितना है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, यानी वॉल्यूम में चेंज कितना है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में जब हम डी ए अपॉन डी आर निकाले थे सबसे पहले क्वेश्चन में, तो आया था टेन पाई और इसका यूनिट लिखे थे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है उसका सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे रेडियस है उसका सेंटीमीटर, तो वैसे यहाँ पे यूनिट देख के हम पहचानेंगे, यहाँ पे डी ए बाई डी आर था तो उससे हम यूनिट लिखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट दे रखा है तो इसको देख के हम चेंज लिखेंगे, यूनिट दे रखा है इसको देख के हम चेंज लिखेंगे, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें देखना है क्यूब किसका यूनिट होता है वॉल्यूम का, ऊपर हो गया वॉल्यूम, नीचे क्या है सेकेंड, तो सेकेंड किसका यूनिट होगा टाइम का, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी, बात समझ में आ गया। तो यह निकल के आ गया जो उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, पर सेकेंड नीचे सेकेंड था इसलिए हो गया डी वी बाई डी टी, यानी वॉल्यूम में
टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक तो अब हमें क्या हुआ, जो डी वी बाई डी टी का वैल्यू पता चल गया है, जो डी वी बाई डी टी का वैल्यू है 9 cm³/s, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। अब देखो वी नो डेट वी इक्वल टू वॉल्यूम एक्स क्यू, वॉल्यूम क्या आ जाएगा एक्स क्यू, क्यू का वॉल्यूम है, क्यू के वॉल्यूम का फॉर्मूला एक्स क्यू। अब इसमें चेंज निकालेंगे, इसमें चेंज निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम में चेंज निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वी बाय डी टी, वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में डी वी बाय डी टी इक्वल टू एक्स क्यूब, पहले पावर का करेंगे, पावर को आगे लिए, एक्स को ऐसे रखिए, पावर में से एक कम कर दिए, अभी तो पावर का हुआ था, अब एक्स का करेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स अपॉन डी टी। डी वी बाई डी टी का वैल्यू पता है, जरा 9 इक्वल टू 3x² डी एक्स बाई डी टी, 3 टाइम्स में कैंसिल, तो 3x² डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या जाएगा 3 अपॉन x² 3 अपॉन x² ये डी एक्स बाई डी टी का चेंज आ गया। डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या निकल के आया, क्यूब के एड्ज में चेंज है, क्योंकि x जो था उसको हम क्या लेट किए थे, लेट द एड्ज ऑफ ए क्यूब, उसका किनारा, तो ये जो है क्यूब के एड्ज में चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर इसका यूनिट लिखना चाहें तो क्या होगा 3, तो 3 किस चीज़ का वैल्यू है, dx का, यानी कि x क्या है एड्ज, तो एड्ज का मतलब उसका लंबाई यानी लेंथ, इसका ऊपर यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, और नीचे क्या हो जाएगा सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो dx अपॉन dt आ गया। अब हमें क्या पूछा था, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एड्ज इज 10 cm, उसका सरफेस एरिया कितना तेजी से बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, उसका सरफेस एरिया कितना तेजी से बढ़ेगा। देखो सरफेस एरिया एस, सरफेस एरिया को हम डिनोट किए एस से, एस इक्वल टू कितना है 6x², ठीक है। तो सरफेस एरिया किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में ही हम देखेंगे यहाँ भी, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम सरफेस एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी, एस का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6x², इसको डिफ्रेंशिएट करना है, पावर को आगे लेंगे तो 12x, 2 को आगे ले लिए 12x, अभी पावर का हुआ था, अब x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt, x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt, तो ds अपॉन dt इक्वल टू 12x इनटू dx अपॉन dt का वैल्यू 3 अपॉन x², ये जगह 3 अपॉन x², एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, डी एस अपॉन डी टी कितना, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एड्ज इज 10 cm, एड्ज मतलब उसके किनारा का लेंथ, किनारा क्या है एक्स, उसका लेंथ हमें दे रखा है 10 cm, तो डी एस अपॉन डी टी व्हेन एक्स इक्वल टू 10 cm वो क्या हो जाएगा 12 × 3, यानी कि 12 × 3 अपॉन एक्स, एक्स का वैल्यू 10, ठीक है। अब इसका यूनिट लिखेंगे, ऊपर क्या है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 12 × 3 = 36, और 36 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3.6, 36 को 10 से डिवाइड किए 3.6 cm² per s, तो जब इसके वॉल्यूम को हम 9 cm³/s के रेट से चेंज करेंगे तो
उसका सरफेस एरिया क्या होगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से चेंज होगा। बात समझ आ गया? तो क्वेश्चन में ऐसे ही लैंग्वेज को हमें पढ़ना है और फिर जाके हम वहाँ पे एक एक स्टेप करके हम सॉल्व करेंगे। अगला एग्जांपल, देखिए अगला एग्जांपल है, देखो क्वेश्चन देखा है जी, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए लेक एंड वेव मूव इन ए सर्कल। ठीक है, एक स्टोन जो है उसको किसी लेक में जब फेंकता है तो उसका वेव जो है वो सर्कल के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसके वेव का जो स्पीड है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, एक सेकेंड में वो 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट, यानी कि तुरंत, वेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, जो सर्कुलर वेव है उसका रेडियस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द इनक्लोज एरिया इंक्रीजेज, उसका इनक्लोज एरिया जो है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें डायग्राम जो डायग्राम कौन सा बन रहा है, सर्कल बन रहा है। ठीक है, सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का जो रेडियस है उसको हम लेट कर लेते हैं R, लेट रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू R, सर्कल का रेडियस हम लेट कर लिए R है, उसका एरिया एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा A, सर्कल का एरिया हम ले लिए A, रेडियस हो गया R। अब जो गिवेन है उसको लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो देखो तो एक यहाँ पे गिवेन है, वेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, सर्कुलर वेव का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस का मतलब यानी कि आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सर्कुलर वेव का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो जो क्वेश्चन बोला है जी, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए लेक एंड वेव मूव्स इन सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि वेव का जो स्पीड है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, वेव का जो स्पीड है वो
4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी कि जब पत्थर को जब पानी में डालता है तो वहाँ से जो वेव बनेगा, जैसे मान लो तुरंत जैसे पत्थर गिराया तो जिस समय गिराएगा उस समय क्या होगा, छोटा सर्कल बनेगा, फिर थोड़ा देर बाद इससे बड़ा बनेगा, फिर इससे बड़ा बनेगा, फिर इससे बड़ा बनेगा, यानी कि जिस समय गिराया तुरंत गिराया और तुरंत देखेगा तो जहाँ पे वो पत्थर गिरेगा तो वहीं पे हमें सर्कल दिखेगा, लेकिन जब वो सर्कल जब वो पत्थर धीरे धीरे अंदर जाएगा वो पानी क्या होगा फैलता जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा फैलेगा, जब पानी फैलेगा धीरे धीरे क्या होगा सर्कल जो होगा वो बड़ा होते जाएगा, तो बड़ा होते जाएगा तो वो सर्कल को बड़ा होने में क्या हुआ टाइम कुछ लगा है, सर्कल जो है यानी तुरंत जब गिराए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है इंस्टेंट यानी कि तुरंत, तो जब तुरंत देखेगा तो उस समय क्या होगा सर्कल छोटा बनेगा, लेकिन जब कुछ देर बाद देखेगा तो वो सर्कल क्या होगा बड़ा सा बन जाएगा, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा उस सर्कल का एरिया जो होगा वो क्या होगा इंक्रीज करते जाएगा, तो यहाँ पे जब हम सर्कल का जो एरिया जो निकालेंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, यहाँ पे रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालेंगे, ठीक है। तो अब वहाँ जो वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हमें उसको देखना है वो क्या चीज़ दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए लेक, यहाँ तो छोड़ी दो, एंड वेव्स मूव इन सर्कल, यानी वेव जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी उसका सर्कल वेव जो है जब लेक में पत्थर को गिराता है उसका वेव जो है वो एक सर्कल के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, और सर्कल के फॉर्म में जो आगे बढ़ रहा है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या चीज़ दे रखा है, देखो सबसे पहले क्या है सेंटीमीटर, यूनिट से पहचानते हैं सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा उसका लेंथ होगा, ठीक है। अब फिर क्या है सेकेंड, सेकेंड का मतलब क्या होगा टाइम, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो दे रखा हो क्या दे रखा है डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम सर्कल का बात किए सर्कल में क्या होगा रेडियस, लेंथ का तो रेडियस ही काम करेगा, तो रेडियस के कारण सेंटीमीटर, और टाइम तो टाइम के कारण सेकेंड, तो डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो एरिया, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, अब इसमें जो हम चेंज निकालेंगे फर्स्ट और सेकेंड एग्जांपल में एरिया में जो चेंज हम निकाले थे रेडियस के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं निकालना है, यहाँ पे जो हमें पूछा है हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजेज, यानी कि उसका इनक्लोज्ड एरिया किस हिसाब से इंक्रीज करेगा, तो यानी कि इसका जो वेव है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वेव जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एरिया जो होगा ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो एरिया को भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, इसको हम आर के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, तो जब हम इसको आर के रिस्पेक्ट ये विथ रिस्पेक्ट टू टी जब इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो जगह डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पावर को हम यहाँ से आगे लेंगे तो जगह 2 पाई आर, तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये सिर्फ पावर का हुआ है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे आर को, आर का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में, आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, आर का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी टी, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर इन टू डी आर बाई डी टी का वैल्यू ये रहा 4, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी टी एट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आर का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी टी एट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 इंटू 4 40 इंटू 2 80 पाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए 80 पाई। अब इसका यूनिट लिखेंगे, ऊपर है ए का मतलब एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर, नीचे है टाइम, तो टाइम का यूनिट सेकेंड, ठीक है। जब उस लेक में पत्थर को गिराएगा उसका एरिया जो होगा वो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज करेगा। अब हमें कैसे पता चला ये इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आया है, प्लस आया तो इंक्रीज करेगा, अगर माइनस आया तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो पॉजिटिव है तो यहाँ से इंक्रीज करेगा।
अगला क्वेश्चन है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया डिक्रीजिंग यानी कम हो रहा है, तो डिक्रीजिंग के समय पे माइनस लेंगे। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। उसका रेट जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से चेंज हो रहा है। When x equal to 10 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rate of change of first part है द पेरीमीटर एंड सेकेंड पार्ट है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि कोई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से डिक्रीज कर रहा है यानी कि चेंज हो रहा है। बोला एंड द विड्थ वाई, उसका विड्थ जो है वो वाई है, तो विड्थ वाई इज इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, उसका विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से इंक्रीज कर रहा है यानी कि बढ़ रहा है। When x equal to 10 centimeter and y equal to 6 centimeter, x का वैल्यू दे रखा है और y का वैल्यू, तो find the rate of change of the perimeter and the area of the rectangle, तो उसके perimeter और उसके rectangle का हमें चेंज निकालना है, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है, देखो सॉल्यूशन हम लेट तो करेंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है। रेक्टेंगल का हमें लेंथ जो है उधर रखा है x, लेंथ इक्वल टू x सेंटीमीटर, उसके बाद विड्थ हमें दे रखा है y सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ और विड्थ हमें दोनों दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखो ये जो दे रखा है इसको हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, यानी कि रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने का मतलब कम हो रहा है। तो द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट के लेंथ से क्या कर रहा है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से डिक्रीज कर रहा है लेंथ। तो लेंथ क्या है, एक्स, यानी कि डी एक्स, वो कितना है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट क्या चीज, लेंथ का मतलब एक्स, यानी कि डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, तो डिक्रीज करने में या फिर इंक्रीज करने में क्या होगा, वो चेंज होना, तो चेंज का हो गया डी एक्स अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, तो मिनट है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी टी, ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू हो गया 3 सेंटीमीटर पर मिनट। उसके बाद अब यहाँ पे मेन जो याद रखना है, लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज का मतलब कम होना, तो कम जिस समय होगा उस समय माइनस हो जाएगा।
डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे हम माइनस लगा दिए, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। एंड द विर्थ वाई, अब बोला है उसके विर्थ के बारे में, द विर्थ वाई इज इंक्रीजिंग, अब उसका विर्थ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। एंड तो विर्थ क्या है वाई, तो डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि विर्थ जो है वो भी मिनट ही दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये हो गया। व्हेन एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड एरिया। देखो पहला पार्ट, लेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी पी, जो पेरीमीटर है उसका रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसको हम लेट कर लिए पी है। ठीक है, तो पी इक्वल टू पेरीमीटर का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री रीजन। जैसे ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है और ये वाई है, इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री रीजन, किनारे वाले दूरी को जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस, यहाँ से यहाँ तक वाई, फिर प्लस, यहाँ से यहाँ तक एक्स, फिर प्लस, और यहाँ से यहाँ तक वाई, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y, 2 कॉमन ले लेंगे क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, हो गया। अब पेरीमीटर में हम चेंज निकालेंगे, तो चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पी का डिफ्रेंशिएशन डी पी बाई डी टी इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी, वाई का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी, तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू पता है -3 प्लस डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 2, तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 2 -1, तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 आ गया। ठीक है, तो हो गया -2, तो -2 जो है ये क्या हो गया, यानी पेरीमीटर में चेंज हो गया, यानी पेरीमीटर में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ गया -2। ठीक है, अब यहाँ पे साइन जो है, साइन क्या है, निगेटिव आया है, साइन जो है वो माइनस में है, तो जब साइन प्लस में आएगा तो इंक्रीज करेगा, और साइन माइनस में आएगा तो डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे साइन जो है वो माइनस में है तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब दूसरे पार्ट में बोला है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, दूसरे पार्ट में बोला है उसका एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा दूसरे पार्ट के लिए, लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ए, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हम ले लिए कैपिटल ए, इसका यूनिट अगर लिखना चाहे तो यूनिट क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब लेंथ, तो लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, और नीचे टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा मिनट, अब पूरा का पूरा चीज जो है वो निगेटिव आया है, तो निगेटिव आने का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव आने का मतलब डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ए, तो एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि एक्स वाई, एरिया का रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया एक्स इंटू वाई, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ए का डिफ्रेंशिएशन डी ए बाय डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ए का डिफ्रेंशिएशन डी ए बाय डी टी इक्वल टू
एक्स वाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एक्स वाई है, यानी कि प्रोडक्ट रूल, इसको यू मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये यू इंटू भी, एक्स को वैसे रखे, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में, एक्स को वैसे रखे, वाई को डिफ्रेंशिएट किए, फिर प्लस वाई को वैसे रखेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी टी, तो इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, डी ए बाई डी टी इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 10, डी वाई बाई डी टी ये रहा 2, प्लस वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 6, डी एक्स बाई डी टी -3, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 10 इंटू 2 20 -18, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 20 -18 2। अब इसका यूनिट, ऊपर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम, तो टाइम चल रहा है मिनट में, तो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो इसके एरिया में जो चेंज है वो पॉजिटिव निकल के आया, यानी कि क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीज करेगा और निगेटिव आया तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट सी एक्स, यानी कि जो टोटल, जैसे एरिया को हम डिनोट किए थे ए से, वॉल्यूम को भी से, तो उसे टोटल कॉस्ट जो है उसको सी ऑफ एक्स से डिनोट किया है, द टोटल कॉस्ट C of x in रुपीज में दे रखा है एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ x units, associated with the production of x units of an item is given by c of x equal to 0.005 x cube माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर, 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ये दे रखा है टोटल कॉस्ट जो है, ये रिलेशन दे रखा है टोटल कॉस्ट का, ठीक है। फिर आगे बोला है marginal cost when three units are produced by mean the
तो क्वेश्चन में देखा है द टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट को डिनोट किया है सी ऑफ एक्स से, ठीक है, टोटल कॉस्ट हो गया सी ऑफ एक्स इन रुपीज में चल रहा है, सबका जो है वो रुपीज में है, तो टोटल कॉस्ट देखा है एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, एक्स यूनिट का है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन एटम इज गिवेन बाय इतना, यानी कि टोटल कॉस्ट का हमें ये रिलेशन दे रखा है 0.05 xq इतना। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन थ्री यूनिट, तीन यूनिट का प्रोडक्शन किया है, वहाँ पे एक्स प्रोडक्शन का ये रिलेशन था, तो बोला फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन थ्री यूनिट्स आर प्रोड्यूज, यानी कि तीन यूनिट प्रोडक्शन हुआ है तो तीन यूनिट का कॉस्ट हमें निकालना है, तो वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट बाय मीन द एसोसिएटेड रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे बोला फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन थ्री यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो गया, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ के बाद जो लिखा हुआ है वो क्या हुआ, जो मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन कर दिया है क्वेश्चन में, जो मार्जिनल कॉस्ट है उसी को हमें क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया है, जो वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट बाय मीन, यानी मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट बाय मीन द इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी मार्जिनल कॉस्ट जो क्या होता है वो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, यानी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज है किस में, टोटल कॉस्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, आउटपुट के रिस्पेक्ट में, बस में आ गया, यानी कि आउटपुट के रिस्पेक्ट में टोटल कॉस्ट में जो रेट ऑफ चेंज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, देखो सॉल्यूशन सी ऑफ एक्स इक्वल टू 0.005 xq माइनस 0.02 x² प्लस 30x प्लस 5000, ठीक है, यानी कि ये जो था ये किसके लिए था, x यूनिट के लिए, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन जब प्रोडक्शन x यूनिट हो रहा है, लेकिन हम कितने यूनिट का प्रोडक्शन किए हैं, तीन यूनिट का, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, 3, x इक्वल टू 3, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, जो टोटल कॉस्ट में चेंज, तो टोटल कॉस्ट में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, आउटपुट के रिस्पेक्ट में, तो आउटपुट का मतलब जो बन के निकल रहा है, आउटपुट का मतलब जो बन के निकलेगा, तो बन के क्या निकल रहा है, प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट क्या है, एक्स यूनिट, ठीक है, तो इस जो टोटल कॉस्ट है इसमें जो चेंज होगा आउटपुट के रिस्पेक्ट में, तो आउटपुट कौन हो गया, एक्स, आउटपुट कौन हो गया, एक्स, तो इस टोटल कॉस्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में जो चेंज निकालेंगे वही क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज है किसका, टोटल कॉस्ट का, किसके रिस्पेक्ट में, आउटपुट के रिस्पेक्ट में, तो आउटपुट यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, एक्स, क्योंकि ये जो रिलेशन दे रखा है ये किसके लिए दे रखा है, एक्स यूनिट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अभी जो ये लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट, ये लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट किस चीज़ का, एक्स यूनिट प्रोडक्शन का, ठीक है, एक्स यूनिट प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट है, हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट में आउटपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, आउटपुट के रिस्पेक्ट में चेंज, तो टोटल कॉस्ट ये रहा और इसमें आउटपुट क्या है, एक्स, तो इसके रिस्पेक्ट में जब चेंज निकालेंगे तो वो चेंज क्या हो जाएगा, एम सी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम सी इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो 0.005 xq का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 0.02 x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 30 और x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 5000 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, तो ये जो है ये चीज ये था टोटल कॉस्ट और ये क्या हो गया मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन याद रखेंगे, ये तो क्वेश्चन में दे दिया है, अगर नहीं दिया रहेगा तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, जो टोटल कॉस्ट है उसमें आउटपुट के रिस्पेक्ट में चेंज व्हेन एक्स इक्वल टू 3 cm, क्योंकि प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन कितना हुआ, 3 यूनिट हुआ है, ये तो था एक्स यूनिट के लिए, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो 3 ही यूनिट का किया है, तो 3 यूनिट के लिए नहीं, एक्स इक्वल टू 3,
तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 0.005 थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर 9 माइनस 0.02 टू इंटू थ्री प्लस 30, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 0.005 इंटू 9 इंटू 3 27 माइनस 0.02 इंटू 3 इंटू 2 6 प्लस 30, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे, तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे, इन सबको अपना सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसके साथ प्लस कर देंगे, तो जो भी प्लस माइनस करने पर आएगा वही हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। बाकी यहाँ के बाद जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इसी चैप्टर का एनसीईआरटी का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी वाला सोल्यूशन जो है, यानी कि एक्सरसाइज जो होगा 6.1 हम करेंगे कल, ठीक है, 6.1।